सर एक सवाल है कि जो अभ्यर्थी है वो कट ऑफ जारी करने की मांग कर रहे हैं कि विषयवार जो है कट ऑफ जारी किया जाए ताकि उन्हें पता लग जाए कि वो इस प्रक्रिया में नहीं आना था, वो कब तक जारी करेंगे? देखिए कट ऑफ हम लोग हो सकता है कि आज ही जारी कर दें, सभी विषय का सभी आरक्षित श्रेणी का वो मेरे पास आ चुका है। अब इसकी चेकिंग चल रही है और जब चेकिंग ठीक हो जाएगा तो फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। इवन वेरिफिकेशन में लोग कह रहे हैं कि बहुत फर्जीवाड़े को छांटा जाए ताकि जो वैकेंसी हो उसको फिर से भरा जाए, और कई बार ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स जो दिया गया है जबकि आपको एक ही रिजल्ट देना था एक कैंडिडेट। हाँ सर, ये शिकायतें आ रही है कि 9 से 10 में भी हो गया, 11 से 12 में भी। देखिए रिजल्ट तो हम मल्टीपल देंगे, नौकरी उसको हम एक ही जगह करने देंगे, स्वाभाविक है वो एक से अधिक नौकरी नहीं कर सकता है। और जो दो जगह मान लीजिए छोड़ देता है, अतिरिक्त जगह छोड़ना ही होगा तो वैकेंसी हो जाएगी, तो ये वैकेंसी अगर होती है तो इसको भी हम रेसिडुअल वैकेंसी मानते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भर देंगे। वैसे ये अलग मुद्दा है कि ऐसे मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने मामले होंगे। आपको आप अवगत होंगे कि 9-10 में सिर्फ 4 ही ऐसा विषय था जिसमें कि अभ्यर्थी जो हैं वो वैकेंसी से ज्यादा हैं, ज्यादा संख्या में हैं, और वो है सोशल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है, उर्दू है। अब इसके अभ्यर्थी अगर आप देखें कि मल्टीपल रिजल्ट्स की बात अगर करते हैं तो कंप्यूटर साइंस का कोई भी विषय 11-12 में है ही नहीं, नहीं कंप्यूटर साइंस का, सोशल साइंस का कोई विषय 11-12 में है ही नहीं, साइंस करके अलग से कोई विषय 11-12 में है ही नहीं। तो इसके अभ्यर्थी बहुत कम चांसेस है कि ऐसे अभ्यर्थी जो होंगे जो ऊपर में मतलब 11-12 में इसी विषय से जा ही नहीं सकते हैं, किसी दूसरे विषय से वो जुड़ जा सकते हैं।